श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। कामयाब होने के लिए अभी आपके पास जो कुछ है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है। आज की तारीख 11 दिसंबर 2020। आज का वार शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 10:04 सुबह तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि अगले दिन 7:02 सुबह तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 11 दिसंबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 7:04 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:25 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 4:10 सुबह अगले दिन और चंद्रास्त का समय 2:52 दोपहर को होगा। आज का नक्षत्र चित्रा 8:48 सुबह तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र अगले दिन 6:30 सुबह तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर पे, पो, रा, री से शुरू होते हैं वे लोग चित्रा नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि के प्रथम दो चरण कन्या के और अंतिम दो चरण तुला राशि के होते हैं। राशि स्वामी प्रथम दो चरणों के लिए बुध और अंतिम दो चरणों के लिए शुक्र। नक्षत्र देवता इनका विश्वकर्मा, गण इनका राक्षस का रहता है। नाड़ी मध्य, तत्व प्रथम दो चरण पृथ्वी के और अंतिम दो चरण वायु के। स्वभाव की बात करें तो मृदु स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। आज की सूर्य राशि है वृश्चिक। आज की चंद्र राशि है तुला। आज का पहला करण बालव 10:04 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा करण कौलव 8:34 शाम तक रहने वाला है। तत्पश्चात तैतिल करण अगले दिन 7:02 सुबह तक रहेगा। आज का योग शोभन 3:52 दोपहर तक रहने वाला है। इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। आइए जानते हैं शोभन योग के बारे में। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती और जिस कामना से यात्रा की जाती है वह कामना भी पूरी होती है और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस योग को बड़ा सजीला और रमणीय योग कहा गया है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यदि आप शोभन योग में पैदा हुए हैं तो आप उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। आप एक नरम दिल के व्यक्ति हैं जो प्रभावशाली बातचीत और बौद्धिक कौशल के साथ दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 सुबह से 12:35 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 1:58 दोपहर से 2:39 दोपहर तक है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:15 सुबह से 6:10 सुबह तक रहेगा। आज के शुभ समय में अमृत काल योग 10:33 शाम से 12:00 मध्य रात्रि तक रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 10:57 सुबह से 12:15 दोपहर तक रहेगा। यमगण काल का समय 2:50 दोपहर से 4:08 शाम तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें, अन्यथा कोई विघ्न आ सकता है, ऐसी मान्यता है। आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 11 तारीख को उत्पन्ना एकादशी। जिन व्यक्तियों ने 10 तारीख को व्रत किया था वो लोग उत्पन्ना एकादशी का पारणा 11 तारीख को कर सकते हैं।
12 तारीख को प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी होगी। 11 दिसंबर को दिन का चौघड़िया, आइए जानते हैं चर समय 7:03 सुबह से 8:20 सुबह तक रहेगा। लाभ का समय 8:20 सुबह से 9:39 तक रहेगा। अमृत काल का समय 9:39 सुबह से 10:56 सुबह तक होने वाला है। शुभ समय 12:13 दोपहर से 1:31 दोपहर तक होगा। चर समय 4:07 शाम से 5:24 शाम तक रहेगा। रात के चौघड़िए में लाभ समय 8:49 शाम से 10:32 शाम तक होगा। शुभ समय 12:14 मध्य रात्रि से 1:56 मध्य रात्रि के बाद का समय शुभ समय होगा। अमृत काल का समय 1:56 अगले दिन सुबह से 3:39 तक होने वाला है। चर समय 3:39 से 5:21 अगले दिन सुबह तक होगा। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।